आराम बहुत हो गया, अब काम पर चलना है। वर्क वर्क कम। ऑल वर्क एंड नो जॉय विल मेक हैंडसम अ डल बॉय। हेलो फ्रेंड्स, हेलो 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 फ्रेंड फ्रेंड्स फ्रेंड्स। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बिहाइंड द सीन चल रहा है इस समय या कुछ और नहीं? लेकिन हम लोग चल रहे हैं अपने हेयरपिन बैंड्स पे, हेयरपिन बैंड्स। जा रहे हैं टर्न लिया हम लोगों ने, हम लोग आगे से जा रहे हैं। देख सकते हो आप मैप के अंदर कि ये रास्ता जो है नदी से होते हुए जा रहा है कुछ ना कुछ। अगर मज़ा आ रहा है कुछ भी कहो, ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर एकदम बिल्कुल। आपको पता ही है यार साउथ इंडिया के बारे में क्या बताना मुझे अब आपको। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग उठ चुके हैं यहाँ पर और सबसे पहले अभी दिखाता हूँ आपको एक्चुअली। रुक जा विवेक, विवेक वापस चलते हैं, लीच होंगे यहाँ पर। तो ये है एक्चुअली यहाँ से व्यू है। साले आ जाएगा ना तो सीट निकाल ले हर जगह से जितनी भी सीट है। अबे कहता दबा लूंगा कान में तेरे को। तो भाई लोग मतलब कि हम लोग यहाँ पे रास्ते में रुके हैं, ये अपने बैग रखे हुए गैजेट वाले और बाकी सब कुछ रेडी है। hmm.
चेक द बिल। ना ब्रेड पकौड़ा खाना ना कुछ खाना, सही बता रहा हूँ, मुँह से गालियाँ निकलने वाली है, बस कंट्रोल कर रहा हूँ। और अब तो वही आ रहा है, रिव्यू दूंगा मैं आपको, कैफे आपको मेरे पीछे, मैं बुराई नहीं कर रहा, पर भाई मेरे को पर्सनली खाना पसंद नहीं आया। सर कैसा लगा पकौड़ा? एक्चुअली होता क्या है ना कि कैफे 92 में क्या करा इन लोगों ने कि एक होता है आपका बनाना भजी होती है, उसमें बनाना की स्लाइड काटे जाते हैं, उसमें बेसन लपेट के दिया जाता है। इन लोग स्लाइड नहीं काटी है किसी रॉ मतलब बनाना की, इन्होंने करा क्या है आपका डायरेक्टली पूरा बनाना लेके डाल दिया है। अच्छा ठीक है, तो इट इज वेरी वर्स्ट। दिखा दो एक बार। दिखा दिया कैफे 1982, ये आपका जब एंट्री करते हो केरला के अंदर आपका, ठीक है, विराज पेट के पास आपको पड़ेगा, रास्ते में पड़ेगा, ब्रिज अच्छा है, व्यू अच्छा है, बट दिस इज वर्स्ट। चलो ठीक, बाकी गाड़ी पे बैठते हैं भाई, एक बार बारिश इतनी हुई है कि सीट पे ना वहां से प्लेट पे रखा है, खा ले जाके तू। तेरा क्या बोला तूने? तू खा ले जाके, तेरे लिए बनाए यहाँ पे। चलो कोई अपने क्या? हाँ नहीं नहीं, सब देख चेक कर लिया था मैंने, बस वो रह गया हमारा वो बनाना पकौड़ा। भाई मैं बनाना पकौड़ा यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, जिसको आना वो खा लेना भाई। और वो देखोगे क्या मैप लगा हुआ है? चलो निकलते हैं आप, ठीक है, आगे की ओर चल रहा है भाई, ठीक है। और कुछ कुछ इस तरह का रोड रिएक्शन है, पर ये बनाना पकौड़ा, मैं बार बनाना पकौड़ा बोल, बनाना पकौड़ा पर खाना हमारा लोकेशन जाने का, हम चले देख के गया था। और अभी ये विवेक है। हाय गाइस। और ये फुल मिस्ट्री अगेन हो गया यहाँ पर। अभी विवेक बता रहे थे मुझको बिल्कुल खाली था, और फिर एकदम बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ आपका मिस्ट्री हो गया। और हाँ वही तो, और ये सब यहाँ पे एक्चुअली टेंट हाउस है, आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट नंबर वाला वो लिया हुआ है हम लोगों ने, जिससे कि हमको जो मंडल पट्टी वाला व्यू है वो काफ़ी अच्छा मिल सके। तो मंडल पट्टी पीक है, लोग यहाँ पे जाते हैं जिप्सी से। और ये है एक्चुअली कुर्ग ट्री हाउस नाम से जो दिखा दी जाती बिल्डिंग वो ये है। और ये अपनी बाइक, आई थिंक इसको 5 साल हो जाएंगे 7 नवंबर को, तो इसके बारे में इतना बोलूँ उतना कम लगता है मुझको। हम दोनों भाई लोग साथ में थे, मैं इसका फैन हो गया, मैं गाड़ी का वाकई में फैन हो गया। देखो अगर मैं बात बोलूं, सीट हाइट कंफर्टेबल, ठीक है, टूरिंग ये सीट हल्की सी इसकी मॉडिफाई करवाई थोड़ी बहुत, तो ऐसे कि भाई लोग कोई भी बैठता है पिलियन तो वो थोड़ा कंफर्टेबल हो। प्लस कुछ सपोर्ट में प्रॉब्लम रहती है कि आपका बैक सपोर्ट नहीं होता है, तो ये बैक रेस्ट से जो मिलता है सपोर्ट ना बैक को, वो बहुत ही प्यारा मिलता है। ये इसके जो लुक्स को एनहांस कर रही है, ना कि हाँ मतलब वो कर रही है डेमोलिशन नहीं कर रही, मतलब खराब नहीं कर रही इसको, है ना। और एक ये लगवाया था, एक इसका क्या तुम्हारे को लगा? किसका? इसका जो फुट रेस्ट है ये, अरे अल्टीमेट है इसके, मतलब जो बैठते हैं ना इसमें कंफर्टेबल। हाँ इसमें अगर आप फॉर्म और लगा दो हल्की सी ना तो आपको और लगेगा अच्छा, मगर अभी मैंने पीपीएफ करवाया था तो इसी कारण हल्की सी, मतलब जो मेरी बाइक है ये है डिटेलिंग माफिया से करवाया था, आपको भेज दूंगा उसका लिंक बैंगलोर के अंदर। बाकी आप देख सकते हो पहले पूरे सब कुछ लगा हुआ था, यहाँ पे सब हट गया है। तो ये तो थोड़ा बहुत बाइक के बारे में बताना पसंद करता हूँ मैं, क्योंकि यही लेकर आई है, बाकी सब 4x4 लेके आई है, मगर ये 4x4 नहीं है, ये 2x2 पे आई है और ये पावरफुल लगी मुझे। और अभी चलते हैं सीधे, ये देखो पढ़ लो एक बार, वे टू हेवन। तो यहाँ पे आपको अगर जाना है तो ये फुट रेस्ट आपके जो हैं जो नंगे पे जा सकते हो और ये घूम के आ जाओ। तो आपने सुना होगा 900 कंडी एक जगह है वायनाड के अंदर, तो वहाँ पर है। तो ये अभी देखो थोड़ी देर में दिखा रहा हूँ अभी आपको कि ये ऐसा हो रहा है यहाँ पर कि एक्चुअली पहले बारिश हो रही है यहाँ पर, तो मैं भी आराम से चल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ।
ये कुर्ग ट्री हाउस। ओके, इन लोगों ने लगाया हुआ है यहाँ पे ग्लास है ये, रियली अप्रिशिएटेड। मगर मेरे को डर लग रहा है तो मैं हर के साइड में आ जाता हूँ, होता है भाई डर लगता है। तो ये है पूरा का पूरा यहाँ का सीन, कुर्ग ट्री हाउस। बने रहिए, आपको अच्छा लगे ब्लॉग, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और ये देख सकते हो आप, ये 900 कंडी में जो बना हुआ है वो बाकी मिस्टी पूरा हो चुका है अभी। जब ये मिस्टी नहीं होगा तो मैं आपको ड्रोन शॉट दिखा दूंगा, बट दिस इज रियली वेरी गुड। मेरे को थोड़ा डर लग रहा है मगर दिस इज वेरी गुड प्लेस, रियली आई अप्रिशिएट इट। और अभी ड्रोन शॉट अभी बारिश हो रही है लेकिन तब भी सोचा कि बना लेता हूँ, वरना रात का फिर हो जाएगा वक्त तो फिर कुछ ज़्यादा बन नहीं पाएगा वीडियो। और चलिए मिलते हैं फिर आपका ड्रोन शॉट के, आप सिनेमैटिक शॉट यूज़ करिए, देखिए और फिर बताइएगा आपको कैसा लगा। थोड़ा साफ कर लेते हैं। ओके, तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा व्लॉग, इसका वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। वैसे तो ये ड्रोन शॉट है लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको मैसूर जाना है तो दशहरा टाइम पर जाइए, जो कि अभी आने वाला है, हाईली रिकमेंडेड। अभी मजा आएगा ना। तो भाई लोग, फाइनली हम लोग अपने कुर्ग ट्री हाउस रिकॉर्ड कर चुके थे लास्ट ब्लॉग में, और अब हम लोग जा रहे हैं कन्नूर की तरफ। तो कन्नूर लोकेशन जो है वो पता लगेगा आपको, तो वहाँ पे आपको सनसेट सनराइज जो होता है आप सब दिखाएंगे विद प्रॉपर्टी के थोड़े लोकेशन के बारे में। तो होपफुली आई थिंक यू ऑल विल लाइक इट, यू ऑल विल लव इट आई थिंक। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर आपके रास्ते पे। तो हम लोग अपने बैग निकाल लेते हैं, थैंक्स फॉर द ओनर, थोड़ा जो टफ रास्ता था तो उससे बच गए हम लोग। और जितने भी अपने बैग हैं सब लगा देते हैं, स्टार्टिंग इससे करते हैं। तो मिलते हैं फिर आपको कल लगाने के बाद। ओनर इज वेरी गुड, हमारा बैग रह गया था तो किसी लाभ रखा है, रियली अप्रिशिएट। खाना भी अच्छा, जगह भी अच्छी। अगर आपके पास ऑफ रोड बाइक है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जाओ, और अगर अकेले जा रहे तो भी जाओ, और पार्टनर से जा रहे तो तभी जाओ। तो चलिए फेसी का यहीं पे एंड करते हैं इसको, और कंटिन्यू करते हैं अपने कन्नूर बीच हाउस की तरफ, कन्नूर स्टे। तो चलो भाई, बैग भी मिल गया है तो निकलते हैं रास्ते पर अपने। ये अपना लगेज पूरा पैक्ड, बैठो ठीक है, बैठ जा, आराम से बैठना, ठीक है, आराम से बैठूंगा, कर देता रहूं। एकदम कूदता क्यों है? पैर मूव नहीं कर सकता मेरा, लेग सेटअप से ना। हाँ हाँ, पैर घुमा के ही कूदना पड़ता है। ओके चलो ठीक है, चलो चलो भाई चलते हैं अपना। ज़्यादा मैं करवा दिया, देखो वहाँ से कर जाती है, वैसे करती मैं कर चुका हूँ। वहाँ से चढ़ जाती, चढ़ा देता मैं। हाँ
थोड़ी हवा दिखवा लें इसकी, हवा गाड़ी में, क्योंकि हल्का तुमने देखा होगा कल, ध्यान दियो कट बोली थी एक दो जगह पर। हाँ वही, क्या काट गई लीच, कहाँ थी? भाई लोग, अगर ये शॉट आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं एक बार बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो हो सकता है कि आप वीडियो देखते तो आपको फील ना होता हो, अबे जल्दी बोल, हर एक शॉट कभी मैं लेता हूँ तो रिस्क रहता है, ये पूरा 1,00,000 का फटका लग सकता है कभी भी। ये दुख का खत्म नहीं होता बे, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कुछ तरीका भीख मांग। तो इसी के साथ हम लोग ये बिहाइंड द सीन जो है वो ख़त्म करते हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे फिर आपका कुर्ग टू कन्नूर के लिए जाता हुआ पूरा जो ब्लॉग है वो बनेगा, तो नेक्स्ट वो आएगा फ्राइडे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हल्का हंस।